हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग श्लोक संख्या 13 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, भागवतम प्रथम स्कंध 15 अध्याय श्लोक संख्या 13। तत्रैव मे विहरतो भुजदंड जुग्मं गांडीव लक्षणमराति बधाय देवा चंद्राश्रिता जदनुभावितमाज मीरा तीना हमद्दमुसित पुरुषेन भूमना। अनुवाद पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु पढ़ो। जब मैं स्वर्ग लोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन में स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवाते कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडवी धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। ये अजमेर के वंशज राजा इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, स्वर्ग लोक के देवता निश्चय ही अधिक बुद्धिमान शक्तिशाली तथा सुंदर होते हैं, तो भी उन्हें अर्जुन से उनके गांडीव धनुष के कारण सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न था। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त उनकी इच्छा के अनुसार शक्तिमान हो सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। किंतु जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं तो वह भगवान की इच्छा से शक्ति विहीन हो जाता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो ये जो है श्लोक 13 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है, 13 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि अर्जुन बोल रहे युधिष्ठिर महाराज को कि जब मैं स्वर्ग में था, किस रूप में, एक मेहमान के रूप में, गेस्ट के रूप में जब था, अतिथि के रूप में, तो कुछ देर रुका। इंद्रदेव क्या किया, समस्त स्वर्ग के सभी देवताओं ने निवात कवच नामक असुरों को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। तो हे अजमेर के वंशज राजा युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर, इस समय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूं, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। तो अर्जुन अपनी वेदना और अपनी दुख जता रहे हैं यहाँ पर कि जिसके प्रताप से इतना 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 कुछ था, वह सब मिट्टी में मिल गया। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति, जिस शक्ति के द्वारा मैं शक्ति संपन्न शक्तिशाली था, वो शक्ति ही नहीं रहा, अर्थात वो शक्तिमान इस धरती को छोड़कर, अर्थात हमें छोड़कर चले गए अपने धाम में। तो तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर बताए अर्जुन का मनोभाव जो है, जिसे अर्जुन अपनी मनोभाव व्यक्त किए, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद यहाँ पे टीका लिख रहे कि स्वर्गलोक के देवता निश्चय अधिक बुद्धिमान, शक्तिमान तथा सुंदर होते हैं, तो भी उन्हें अर्जुन से उनके गांडीव धनुष के कारण सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न था। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त उनकी इच्छा के अनुसार शक्तिमान हो सकता, जिसकी कोई सीमा नहीं है। किंतु जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते तो भगवान की इच्छा से शक्ति विहीन हो। इस संसार में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो
जो बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही धनवान है और बहुत ही शक्तिशाली है। तो इसके पीछे हम लोग को एक ही चीज सोचना है, वो है कृष्ण की कृपा। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेन में भीख मांगते हैं, यहाँ पे साउंड बॉक्स लगाते हैं, परदेसी मेरे यारा भूल न जाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना, परदेसी पर ऐसे करके यहाँ पे पेट में एक साउंड सिस्टम रहता है, दे दे बाबा 2 रुपया 5 रुपया दे दे गो, ऐसे करके उसका इस तरह गाना गाते हैं। तो संसार में ऐसे भी लोग हैं जो भीख मांगते हैं अपने तरीके से। हाँ, इस तरह किसी का 2 हाथ कटा हुआ है तो अभी वो भी उसी परिस्थिति में दूसरों से मांगते हैं, क्योंकि हाथ कटा है लेकिन कृष्ण कृपा से मुंह थोड़ा रक्षित है, इसीलिए मुंह से बोलते हैं। अगर मुंह भी बवा रहता तब तो हो गया, तो कृष्णा थोड़ा कृपा करते हैं। यद्यपि पूरा ही करना था लेकिन उसको तो जीवन जी, मतलब वहां इस संसार में भोग तो करना है और बच के भी रहना है, इसीलिए कृष्णा थोड़ा अपनी तरफ से डिस्काउंट दे देते। इतना पापी रहता है ऐसे व्यक्ति जो हाथ तो कट ही गया, मुंह का जो बानी है ये भी छीन लिया गया होता, लेकिन अगर ये छीन लेते तो वो खाएंगे क्या? परदेसी परदेसी करके लोगों का मन बहलाते हैं, जो सिलपार में या जनरल बोगी में जो बैठे रहते हैं। उमा शंकर प्रभु जी अगर नींद भी में भी रहेंगे टूट के बोलेंगे, बाबा रे आमिर खान का क्या गान गा रहा है, लो 5 रुपया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भीख देते हैं 2 रुपया 5 रुपया इस प्रकार। तो संसार में ऐसे लोग भी है, तो संसार में कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, सारे दुनिया के लोग उनको जानते हैं। तो थोड़ी सी भी प्रसिद्धि या ज्यादा प्रसिद्धि सब कृष्ण की कृपा है। हम लोग जनकपुर गए थे, तो जनकपुर गए तो हम लोग, हमारे रहने के लिए ठिकाना जो इस्कॉन सेंटर जो बन रहा है वो तो छोटा है, छोटी मात्रा में, अभी ब्रह्मचारी और गुरुकुल के बच्चे रहते हैं, अभी हम लोग कहाँ रहेंगे। तो लोग एक इंतजाम कर दिया, एक माता जी के और प्रभु जी के घर में जो दुबई में दीक्षा हुआ था, तो उन लोगों के घर में गया तो जो माता जी है घर की, अरे प्रभु जी और माता जी अहो भाग्य हमारा, आज हमारे घर पधारे, आप लोगों को तो मैं देखता हूँ मायापुर टीवी में आप लोग आते हैं। तो कहाँ? नेपाल जनकपुर। और कहाँ? मायापुर। तो मायापुर में हम लोग थोड़ी सी कृष्ण सेवा करते हैं, जो नेपाल से, कोई टोरंटो से, कोई कनाडा से, कोई अमेरिका से, हो सकता है वो लोग फोन करके है ना बताएं कि प्रभु जी आप का ऐसे टॉक शो है, लेकिन जिस दिन भेंट होगा फेस टू फेस उस दिन प्रकट करेंगे प्रभु जी आपका। तो मैं देख बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे देखा हूँ जो फेस टू फेस जब मिलते तब बोलते हैं प्रभु जी इस बार आपका टॉक शो बहुत सुंदर था, लेकिन ऐसे वो कभी फोन करके नहीं बोलेंगे प्रभु जी इस बार आपका टॉक शो नहीं, जब भेंट होगा 2 साल बाद भी फिर भी वो बोलेंगे। तो ये जो है महिमा या प्रसिद्धि या फेमस जो सारी दुनिया के लोग देख रहे, ये भी कृष्ण की कृपा है, महाप्रभु की कृपा है। उनकी कृपा के बिना वहां पे कोई जा सकता है? सारी दुनिया के लोग हम लोगों को देख रहे, ये पॉसिबल है? ये संभव है? संभव है प्रभु जी? नहीं, सब कुछ संभव नहीं प्रभु जी। हाँ, ये कृष्ण की कृपा है, महाप्रभु की कृपा है, जिसके कारण ही सारे दुनिया के लोग, कृपा है तभी तो आप काठमांडू गए। हाँ, आप गए जानकी मंदिर जहाँ सीता मैया पैदा हुई थी जी, और बगल में सीतामढ़ी है। हाँ, वहाँ तो आप नहीं गए? वहाँ पे जाना था उस दिन, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ प्रभु जी। उस सीतामढ़ी में जो जानकी मंदिर है वहाँ का पंडा जो है वो हमारे जानने वाले है। अच्छा। वो जात के भूमि ब्राह्मण है और बहुत अच्छे जगह पर सीतामढ़ी में उनके हम गए हैं, वो हमारे एक दोस्त की बहन की शादी उसके यहाँ है, तो उस संदर्भ में हम गए थे करीब 25-30 साल पहले। बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग,
और जानकी मंदिर भी हम गए हुए हैं, बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ हम तो गए थे करीब 25 साल पहले, तो अब तो और भी सुंदर हो गया होगा। हाँ वो तो फोटो से भेजे है, जो भी है नेपाल मुजफ्फरपुर से तो बहुत ही पास है प्रभु जी। हम लोग तो सोच रहे थे कि मुजफ्फरपुर से तो ट्रेन मिलेगा बैंडल। आपको हम नहीं प्रभु जी, आपको हमने बुलाया था कि आप मुजफ्फरपुर आइए, आपका चिंता दूर हो जाता, मैं अपने गाड़ी से लेकर चलता। आपका गाड़ी है? मेरे पास गाड़ी है प्रभु जी, ओ और मैं बीमार पड़ा हूँ तब से गाड़ी में नहीं चला रहा हूँ, ड्राइवर लेता साथ में और लेकर चलता आपको। आप तो मेरे बात को समझे नहीं, ये भाग्य बहुत मुश्किल से मिलता है कि आप हमारे यहाँ आते या हमसे मुलाकात होती हमारे घर पे आप आते। इसी रास्ते से आपको जाना आना है, मेन रूट में हम हैं प्रभु जी। आपसे परिचय हुआ और आपके यहाँ मेरा मन में आया कि नहीं हमको जाना है मायापुर दर्शन करने के लिए, और आपने हमको अपने घर में रोका, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो यही चीज देखिए और कृष्ण भक्ति में हम लगे हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा है ठीक से, दिमाग से खाली हो जाते हैं। हम आपसे बहुत कुछ बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ समझना चाहते हैं, लेकिन आपको भाई टाइम किस समय मिलेगा, किस समय आप खाली रहेंगे, तो हमको थोड़ा सा समझना है, बात करना है, क्योंकि हम कुछ भी अच्छे से नहीं कर, कुछ भी अच्छा मिला नहीं जा रहा है, अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। जब बिल्कुल ही अकेले इतना बड़ा घर में रहते हैं हम, कोई नहीं यहाँ पे, मैडम जो है हमको तो कोई मतलब उनसे नहीं है ना, उनको मतलब है, वो चले गई अमेरिका और आधा घर को बंद करके गई है, 20 दिन पहले अमेरिका, और आधा घर बंद करके चाबी लेके गई अमेरिका। मतलब आपका बेटा टिकट काट दिए माँ को? हाँ तो बेटा ही के पास गई, जाएगी कहाँ और। चलिए सुंदर लाइफ, और हम बस कान्हा जी के सहारे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये माता जी रहती हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी रहती हैं, मतलब एक घर में, मतलब एक घर के ही कैंपस में माता जी भी रहती हैं, आप भी रहते एक हैं। घर में ही रहती हैं वो, एक रूम में वो रहती है, उनके रूम का एसी चलता रहता है, मेरे रूम का एसी चलता रहता है, एक एक घर में दो रूम में दो एसी चलता है, दोनों का बिल आता है 12 से 15 हजार रुपया। उनको हमने कहा कि एक ही जगह क्यों नहीं रहे हम लोग, तो नहीं 15 हजार बिल आता है भाई, एसी चलता नहीं, है नहीं, 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 दो रूम का चलता है एसी ना प्रभु जी। ओ भगवान, मेरा 500 रुपया बिल आया और मैं लक्ष्मी को बोला कि 500 रुपये के बिल में इतना डर रहे है, मंथली मेरा करंट बिल 500 रुपया आया पिछले महीने। नहीं तो आपका नॉर्मल लाइट जलता है ना, हम किराया में थे जयपुर में तो 650 का बिल आया था एक महीने का, तो उसमें फ्रिज भी चलता था और गीजर भी चलता था, और यहाँ अभी मुजफ्फरपुर में हम है ना, तो यहाँ लगभग लगभग 20 से 22 घंटे एसी चलता है, बहुत गर्मी है प्रभु जी, बहुत गर्मी, मतलब तो आदत तो खराब हो गया है हम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप लोग दोनों आदमी रहते हैं तो वे क्या वो देखभाल नहीं करती हैं? हमको खाना बना के देती ही नहीं जी है, खाना बना के नहीं देती है ना। अभी मुझे भूख, अभी काम, एक लड़की को रखे हुए काम करने के लिए, हम आज वो आई नहीं तो हम खिचड़ी बना के खा लिए, और थोड़ा सा कम बना खिचड़ी, भूख लगी हुई थी अभी, तो चिवड़ा भूज के खाए, चिवड़ा काजू और कड़ी पत्ता डाल के भूज लिए, खा लिए। अभी देखिए हम काढ़ा बना के पी रहे हैं, काढ़ा यहाँ देखिए। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है क्या जो दोस्त लोग के ऊपर हम लोग डिस्कस किए माता जी? क्या आप पूछने वाले थे? ये सब चर्चा चला, भूल गए। याद नहीं आ रही, ये सब चर्चा चला, भूल गए, याद नहीं आ रही, कुछ पूछने वाले थे। शक्ति भगवान की कृपा ही शक्ति है, बाकी हम लोग जो गए नेपाल मायापुर टीवी से जो सारे दुनिया के लोग देखते, ये सब चर्चा हो रहा था कि तो कृष्ण की कृपा है, याद कीजिए जी प्रभु। क्लास पढ़ा रहे थे प्रभु जी, तो कुछ हमको याद आया कि हम पूछें।
भुला गए। स्मरण शक्ति जो है प्रभु जी ना रखना चाहिए, सब कुछ दिमाग में क्यों जोर डालते हैं। खाता कलम 5 रुपये का रखना है, जो क्वेश्चन रहेगा तुरंत उसको लिख के रखना और आराम से फ्री माइंड में। जी है ये प्रभु जी, अभी जो मतलब अयदास जो है, स्मरण शक्ति जो है, पता ना इस उम्र में कम होते जाता है क्या। वो तो है ही, इस उम्र में यादगार जो है सो कम होते जाते हैं। कुछ सामान रखते भी हैं। माता जी का उम्र कितना है, माता जी उम्र कितना हो गया आपका? 65 चल रहा है प्रभु जी। हाँ तो आपसे थोड़ा बहुत छोटे कुछ नहीं चल रहा है। कल एक पार्टी में गए थे, उस लेडीज का 75 साल कल पूरा हुआ, और जो जन्मदिन मनाई खूब एंजॉय की। तो प्रभु जी आप गए थे नेपाल गए थे, तो कहाँ कहाँ गए? ऐसे तो आया था ये वीडियो भेजे थे। पहले हम लोग गए बीरगंज, बीरगंज में कृष्ण जन्माष्टमी हुआ, जन्माष्टमी के दिन में कृष्ण कथा वर्णन किए, दोनों क्लास दिए। उसके बाद दूसरे दिन प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि हुआ, उस दिन प्रभुपाद का लीला कथा वर्णन किए, सभी भक्तों को थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन करवाए। फिर दूसरे दिन काठमांडू चले गए। काठमांडू जाने के बाद वहां पर आपकी माता जी का इतना बुखार आ गया जैसे मरने वाली। काठमांडू कौन सी, क्या चीज से गए काठमांडू? हम लोग गए थे इसी गाड़ी से ही गए थे, 850 रुपया करके भाड़ा, टाटा सुमो में गए थे। तो वहां पे आपकी माता जी का बहुत बुखार आया, सारा दिन छटपटा रहे थे। फिर दूसरे दिन थोड़ा सा भ्रमण किए काठमांडू में, पशुपतिनाथ और भी भक्तपुर जहाँ पे प्राचीन काल के मंदिर वगैरह एवरीथिंग सब दर्शन किए, 2 दिन रहे। फिर फ्लाइट से आए सिमरा, सिमरा सिमरा से बीरगंज, बीरगंज में आके 1 दिन रुके, 1 दिन क्या उसी दिन रुके। फिर नेक्स्ट डे चले गए जनकपुर, गौर जनकपुर, वहां पे सीता माता मैया इस मंदिर वगैरह सब दर्शन की। कोई दिन खाली बैठा नहीं था, कंटिन्यू यात्रा चल रहा था। जनकपुर में जानकी मंदिर, जानकी विवाह, रामचंद्र भगवान के साथ जो विवाह हुआ, सब मंडप वगैरह मंदिर सब दर्शन हुआ। रात को इस्कॉन टेम्पल में रुके, एक माता जी प्रभु जी के घर में। इस्कॉन टेम्पल में माता जी भगवत गीता का क्लास दिए, मैं भागवतम का क्लास दिया दूसरे दिन। फिर हम लोग बस से चले आए बीरगंज, बीरगंज चले आने के बाद शाम के ट्रेन, कैसे समय खत्म हो गया पता ही नहीं चला। 18 तारीख को गए थे, 26 तारीख को कल रिटर्न आए। रोज रोज घूमने से थकान तो भी लगता ही होगा, थकान से ही तो माता जी की तबीयत बुखार उखार आ गया जी। और प्रभु जी ये जो जी दोनों आदमी साथ में हैं तो थकान नहीं बुझाता है ना, परिवार के साथ घूमने का मजा ही अलग, और भगवान का स्मरण करते रहिएगा तो ताकत मिलता रहता है, ऊर्जा मिलता रहती है। उनको फीवर हो गया था ना, बुखार लग गया। हाँ हाँ वो तो जाने के दिन ही बुखार आना ही था, प्रभु जी के यहाँ बुखार आया मायापुर, वो तो एक आदमी के होता है तो फिर उनका छुटता है दूसरा आदमी के होता है। अभी ठीक है ना प्रभु जी दोनों आदमी? हाँ हाँ ठीक है। प्रभु जी वो मुजफ्फरपुर बुलाए थे लेकिन आए नहीं, आएंगे। मुजफ्फरपुर होके गए हैं, मुजफ्फरपुर होके ही गए हैं, ट्रेन आपकी गई है। आते थे कुछ अलग अलग आनंद आता है यहाँ पे, बिहार होते हुए प्रभु जी की गाड़ी गई है। हाँ हाँ मुजफ्फरपुर होके ही जाती है गाड़ी। ये वाला जो हम लोग आए इसमें मुजफ्फरपुर होके नहीं आया, वो मिथिला एक्सप्रेस, हम लोग रक्सौल एक्सप्रेस में आए। तो किधर से गया मुजफ्फरपुर नहीं आया तो किधर से गया, वो रास्ता वही है ना? ना ना दो रास्ता, दो ट्रेन अलग अलग है, समझते नहीं आप? मुजफ्फरपुर किधर से अलग है और एक किधर से गया लेके?
समस्तीपुर के गया, ये रास्ता समस्तीपुर के गया क्या? नहीं, ये जो है रक्सौल जो है आपका बरगेनिया सीतामणि उधर से आए। सीतामणि से कहाँ गया गाड़ी? सीतामणि से कहाँ गया देखो तो? दरभंगा गया, समस्तीपुर गया जी। प्रभु जी कह रहे थे, प्रभु जी याद पड़ा अभी, ये ट्रेन में जो ये जो भिक्षा मांगने वाला भी लोग रहते हैं ना, बहुत लोग तो बहुत तो ये मतलब आंख के बहाना करके आंख कैसे बना लेता है, भिक्षा मांगता है, जब जहीं कहीं ट्रेन रुकती है तो उस पर से उतर के निकल जाता है। वैसा वैसा आदमी के कैसे आदमी है, बहुत आदमी है माता जी। कहाँ कहाँ गया पहले जी? आप बहुत तर्क करते, पहले सुनिए। पहले वो जो ट्रेन ट्रेन पहले कहाँ, रक्सौल से भरसहन बैरगेनिया, उसके बाद सीतामणि, उसके बाद जनकपुर रोड, फिर कामतोल, उसके बाद दरभंगा। रूट बदल गया, रूट बदल गया, दरभंगा रूट चला गया, दूसरा हो गया। मैंने बोला था दरभंगा रूट है ये, आपका मुजफ्फरपुर रूट है। हाँ तो मुजफ्फरपुर से दरभंगा 55 किलोमीटर है। ठीक है ठीक है, तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन आप मुजफ्फरपुर नहीं आए प्रभु जी? नहीं, बीच बीच में प्रभु जी चले जाते हैं। बहुत आदमी भगवत कथा के लिए मिस करता है, लेकिन जाना भी तो जरूरी है ना माता जी, घूमना भी जरूरी है, सब जगह प्रचार करना जरूरी है। मतलब वो तो है ही, मतलब ऐसे कह रहे हैं कि हम लोग बहुत मिस करते हैं ये बात। हम लोग कथा नहीं सुनने से, ये जो क्लास होता है नहीं सुनने से आदमी के थोड़ा सा कैसे तो 7 दिन क्लास नहीं सुने है ना, तो अजीब लग रहा था, खाली खाली जैसा। लेकिन हम लोग तो अभी क्लास देते हैं ना, अभी क्लास दिए, आप लोगों को तो सुनना चाहिए। आप चैनल में जाकर हाँ सुने हैं, वो जो भेजते थे ना आप सुने हैं? चलिए एक भी हम भी सुने थे बैठ करके, आप ये झालुल बजा बजा करके बोल रहे थे। संकीर्तन करने में खूब आनंद आता है, संकीर्तन करने में खूब मजा आता है, लेकिन हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर में है नहीं अभी कोई इस्कॉन मंदिर, ऐसा कोई मंदिर नहीं कि जहाँ हम जाकर 2 घंटा बैठे। हो जाएगा सब धीरे धीरे, ठीक है प्रभु जी। चलिए आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय भागवत महापुराण की जय, जय कृष्ण भक्तविंद की जय, जय भक्तविंद की जय, जय परमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।